हाई एवरी वन, दिस इज़ नाज़िया। वेलकम टू दिस वीडियो। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फैब्रिक पेंटिंग। गाइज, वैसे तो मैं इसको खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स और हैक्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मुझे बनाने हैं दो कुशन्स, जिसके लिए मैंने काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया और इसको 19x19 इंचेस का कट कर लिया, क्योंकि मुझे 18x18 इंचेस के स्क्वायर साइज का एक कुशन बनाना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अब बारी है डिजाइन बनाने की, जिसके लिए मैं आपके साथ एक अमेजिंग सा हैक शेयर करने वाली हूँ कि आप बिना कपड़े पे ड्रॉ किए ही कैसे पेंट कर सकते हो। तो जितना बड़ा डिजाइन आपको बनाना है, उतने बड़े पेपर की एक शीट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 A4 साइज की शीट को आपस में चिपका लिया था। अब अगर आपके पास PC वगैरह है तो कोई भी अच्छा सा बढ़िया सा डिजाइन निकालो और उसको इस पेपर पे ट्रेस कर लो। और इसके अलावा आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, वो आपके लिए और ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप खुद से अपना कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप पेपर पे अपना डिज़ाइन भी बना सकते हो। बाय द वे गाइज, आई एम गुड एट ड्राइंग, बट जस्ट टू शो यू द हैक आई एम डूइंग दिस फॉर यू। आपको पिक्चर को जूम करना है और शीट को टेप की मदद से थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे ताकि ये हिले डुले ना, और पेन या पेंसिल की मदद से बहुत ही हल्के हाथ से इसको ट्रेस करना है ताकि जो स्क्रीन है वो डैमेज ना हो। और ध्यान रहे, अगर आपको डिज़ाइन दिखाई ना दे तो आप कमरे की जो लाइट है वो ऑफ कर दीजिए, फिर ये बहुत अच्छे से दिखेगा। और ये देखो कितना इजीली हमने सारे डिज़ाइन जो है वो ट्रेस कर लिया है। अब आपको किसी डार्क पेंसिल या फिर ब्लैक मार्कर की मदद से इसको आउटलाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, बट बाद में मुझे ब्लैक मार्कर से भी इसको आउटलाइन करने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो आप मार्कर का ही यूज़ करना। फाइनली हमारा डिज़ाइन हो चुका है रेडी। अब हमें सूट पैकिंग करने वाली एक पन्नी लेनी है और इसके अंदर इस शीट को इंसर्ट कर देंगे। जिस भी कपड़े के ऊपर आपको पेंट करना है उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी जो सिलवटें हैं वो निकल जाए और हम अच्छे से पेंट कर पाएं। जैसे कि आपको पता है, मैंने कुशन की कटिंग कर ली है और इसको मैंने फोल्ड किया था, तो मैं इसके अंदर इसको इस तरह से रखूँगी और नीचे वाले बेस के ऊपर इसको अच्छे से चिपका दूंगी ताकि ये हिले डुले ना। अब जिस पार्ट को हमें पेंट करना है उसको हम इस डिज़ाइन के ऊपर रख देंगे। और ये देखो, नीचे से ना हमें ये डिज़ाइन जो है वो प्रॉपरली दिखाई देगा। अब जिस भी रेफरेंस इमेज से आपने डिज़ाइन को ट्रेस किया था उसको अपने फ़ोन में निकाल लो ताकि हम सारे कलर्स जो हैं वो देख देख कर फिल कर सकें। तो हमारा सारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको पेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको 2 गिलास में पानी लेना है, एक में आप गंदे ब्रश को धोएंगे और एक में उसके बाद ब्रश को धोएंगे। और इस टाइप के कुछ ब्रशेज़ ले लेंगे, ये मैं आपको जब पेंट करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। और इसके बाद कोई भी एक्रेलिक कलर्स आप ले लो या फिर फैब्रिक कलर्स भी आते हैं वो आप ले सकते हो। तो मैं तो रेगुलरली यही कलर्स यूज़ करती हूँ, तो मैं इन्हीं से पेंट करूँगी। इसके बाद हमें चाहिए कॉटन का वेस्ट कपड़ा जो पानी को सोख ले और इससे हम ब्रश को साफ करेंगे। तो चलिए अब पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। रेफरेंस इमेज को देखते हुए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया था और एक डार्क ग्रीन कलर बन गया। और जहाँ भी मुझे रेफरेंस इमेज में ऐसा डार्क ग्रीन कलर दिखेगा वहाँ वहाँ मैं इसको पेंट कर दूंगी। लगभग जो भी डालियाँ हैं वो सारी डार्क ग्रीन कलर की हैं, तो मैं इसको बढ़िया से पेंट कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि लीव्स को कैसे पेंट करना है। तो यहाँ पर मैं इन 3 कलर्स को मिक्स कर रही हूँ और एक ग्रीन कलर बन जाएगा काफ़ी अच्छा सा। और ध्यान रहे कि आपको इसमें अभी जितना पानी आप मिक्स करना चाहते हो वो अभी मिक्स कर दीजिए। और पानी तो आपको मिक्स करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर आउटलाइन अच्छे से क्लियर नहीं बनेगी, मतलब उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। और यहाँ पर जो मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ना, ये स्मॉल टिप राउंड ब्रश है और मेरे पास सबसे पतला ब्रश है, मतलब ये। तो आपके पास जो सबसे पतला ब्रश हो ना, आप उससे आउटलाइन करिए, चाहे आप अंदर जो है बड़े ब्रश से भर दीजिए, बट आउटलाइन आपको क्लियर और क्लीन रखनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लिया और उसको ऐसे कोनों पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बस जैसा आपके रेफरेंस इमेज में है उस हिसाब से आप कलर करिए और इसको अच्छे से ब्लेंड भी करते रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो दोनों कलर्स है वो अलग अलग दिख रहे हैं। तो आप ब्रश को साफ़ करिए और फिर उसको ब्लेंड करिए अच्छे से। तो इसी प्रोसेस से मैं लीफ के अंदर डिटेल्स ऐड करती जाऊँगी और ये काफ़ी अच्छा लुक ले रही है। हमारी ड्राइंग में जितनी भी लीव्स हैं ना, वो सारी मैं इसी प्रोसेस से बनाऊंगी और मैंने आपको एक बना के दिखा दी है और बाकी सब मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। और ये देखो, हमारी लीव कुछ ऐसी लग रही है। मैंने ऐसे ही सारी लीव्स बना ली है। लगभग हमारे ग्रीन कलर का सारा काम खत्म हो गया है। गाइज, मुझे 2 क्वेश्चन बनाने हैं, तो मैंने दूसरे क्वेश्चन पर भी
इस वाले ग्रीन कलर के काम को ख़त्म कर दिया तो मुझे ट्रेसिंग करके पन्ने के अंदर डाल के जो हमने तामझाम बनाया था ना उसको हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसी को निकाल के ये दूसरा वाला भी पेंट कर लिया। अब बारी है फ्लावर्स को पेंट करने की, और उनको पेंट करने का भी मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगी। जैसा कि हमारी रेफरेंस इमेज में कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर बनाने के लिए वाइट में थोड़ा सा रेड मिक्स किया, तो ऐसा बहुत अच्छा सा एक पिंक कलर बन गया है। और मैं पूरे फ्लावर को फिल कर दूंगी इस पिंक कलर से। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा पानी भी मिक्स किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी मिक्स नहीं करना चाहिए, उससे आउटलाइन बेकार हो जाती है, कलर्स फैल जाते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये कपड़े की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो आप जिस भी कपड़े के ऊपर पेंट करना चाहते हैं ना, पहले उसके थोड़े से पीस पर जो है एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो, फिर आप जो है उसमें पानी अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हो। तो रेफरेंस इमेज में जहाँ भी मुझे ऐसा पिंक कलर दिखेगा वहाँ वहाँ मैं पिंक कलर भर दूँगी, और डिटेल्स तो बाद की बात है, बाद में हम डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। रियली गाइज एक बात बताऊँ, मुझे फैब्रिक पेंटिंग करते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब इतना मज़ा तो मुझे किसी भी चीज़ पे पेंट करने में नहीं आता, अलग ही सेटिस्फेक्शन है यार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और मुझे लगता है कि हमेशा हमें काम की चीज़ें ही बनानी चाहिए। ऐसी चीज़ें DIY करके क्या फ़ायदा जो किसी काम में ही नहीं आएगी, तो मेहनत काम की चीज़ों में करो। तो ये देखो जहाँ भी पिंक कलर का काम था वहाँ वहाँ मैंने कलर कर दिया है, और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो अब बारी है डिटेल्स ऐड करने की, जिसके लिए मैं कुछ इस टाइप के ब्रशेस ले रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने ब्लैक, रेड और वाइट कलर ले लिया है, इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके यहाँ पर मैं डिटेल्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं रेड कलर को ले रही हूँ और अपने पतले वाले ब्रश से आउटलाइन करूँगी, और दूसरे वाले ब्रश से इस कलर को ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए आप ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हो। इसको करने के बाद रेड कलर में ही थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे और एक ब्राउन कलर बन जाएगा, और उससे फिर आउटलाइन करेंगे ताकि हमारी जो पेटल है उसके अंदर और ज़्यादा डेप्थ दिखाई दे। और इसको भी हम दूसरे वाले ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और ध्यान रहे, जिस ब्रश का आप ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो ना, उसको बार बार धो के साफ करते रहना है, वरना तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। देख रहे हो गाइस कैसे हमारे फ्लावर के पेटल्स में जान आती जा रही है, और इसमें कितना बढ़िया लुक आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको एक पेटल पेंट करके दिखाई है, वैसे ही आपको हर पेटल में करना है, और रेफरेंस इमेज में देख देख कर कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है उस हिसाब से। तो ये देखो गाइस, डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारे दोनों फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। सो यहाँ पर एक और फ्लावर है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर हम रेड कलर फिल करेंगे। तो मैंने रेड कलर में बहुत सारा पानी मिक्स कर लिया है, और उसको मैं पूरे फ्लावर में अच्छे से फिल कर दूंगी। रेड कलर फिल करने के बाद अब बारी है इसके अंदर डिटेल्स ऐड करने की। तो मैं रेड में थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करती जाऊंगी और डिटेल्स ऐड करती जाऊंगी। रेड में ब्लैक मिक्स करने के बाद इस तरह का ब्राउन कलर बन जाता है। तो आप देखो मैं किस तरह से कलर अप्लाई कर रही हूँ, और दूसरे ब्रश की मदद से मैं कलर ब्लेंड कर रही हूँ। इसी प्रोसेस के साथ हमें सारी पेटल्स को रेडी कर लेना है।
थोड़ी हाईलाइट सेट करने के लिए मैं हाईलाइटेड एरियाज़ पर लाइट पिंक कलर कर दूंगी। और इसको करने के बाद हमारा ये फ्लावर भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब बचे हैं हमारे साइड व्यू वाले छोटे मोटे फ्लावर्स, तो उनको भी हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं। सो ये वाला जो फ्लावर है इसमें थोड़ा डार्क पिंक कलर है, तो मैं इस तरीके से जो बाहर के साइड जो दिख रहा है ना पार्ट, उस पर ऐसे ये वाला कलर कर दूंगी। और अंदर की साइड इसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है, ब्राउन कलर, तो मैं अंदर की साइड ब्राउन कलर कर दूंगी। तो ये देखो हमने अपने सारे फ्लावर्स में कलर फिल कर दिए हैं। अब बारी है इसके मिडल वाला पार्ट बनाने की, जिसके लिए मैं काफ़ी डार्क कलर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने रेड कलर में ब्लैक मिक्स किया है और इस तरह का एक डार्क ब्राउन कलर बन गया। तो सभी फ्लावर्स के मिडल में ये कलर करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर थोड़े टेक्स्चर पेंट करने की, ताकि ये एक रियलिस्टिक लुक दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का एक ब्रश ले लूँगी जो ख़राब हो रखा है और ऐसे फैला हुआ है, तो इससे डॉट्स काफ़ी अच्छे से बनेंगे। अब मैं इसको येलो कलर में बिल्कुल थोड़ा सा डिप करूँगी और इसको साफ भी कर लूँगी, और इस तरीके से टैप टैप करके जो है छोटे छोटे से डॉट्स बन जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक टेक्स्चर बन रहा है। आपके पास अगर ऐसा ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल पतले वाले ब्रश से भी छोटे छोटे से डॉट्स बना सकते हो। बेसिकली ये हमारी पेंटिंग का एक फाइनल टच है, और इसके होने के बाद हमारी पेंटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पेंटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सिक्योर कैसे करना है। और ये देखो जो हमने बनाया था ना, वो अभी भी बिल्कुल सही है। आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी आपने पेंट किया है ना, सबसे पहले उसको उल्टा करके रख लो, और ये जो उल्टी साइड है ना, अब इसके ऊपर आपको अच्छे से प्रेस कर लेनी है। इससे जो कलर्स हैं वो अच्छे से सील हो जाएंगे, आप इनको कैसे भी धो सकते हो। और अब देख लो इनका फाइनल लुक। सो गाइज, दिस इज़ फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। ऐसी ही DIY वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।